चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर थ्री एजुकेशन में। देखिए हम लोग आज से जो शुरू करने वाले हैं वो है आप लोगों की संविदा शिक्षक वर्ग 2 जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए हम आज से जो है आपके मिनी टेस्ट शुरू कर रहे हैं। यानी कि जैसे जो आपका जो पेपर है वो तो पूरा 150 नंबर का होगा, लेकिन हम यहाँ पर आज आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ये मिनी टेस्ट आप लोगों का होगा जिसमें आप लोगों के मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जैसा पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के वैसे भी क्वेश्चन रहेंगे और पेडागोजी के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पूरा टेस्ट लगाना है, ठीक है। इस टेस्ट में आप लोगों को चेक करना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है ना। आपकी एग्जाम जैसे आएगी उस हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी आज जो है चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा जो लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको बता दूं, आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है 249 में। आप लोग ये 15 चैप्टर पढ़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लास्ट दिनों में, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को डाउनलोड करना है लेयर थ्री एजुकेशन ऐप। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको ये शानदार कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखिएगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए 30-30 सेकंड का समय यानी कि 1-1 मिनट का समय होगा तो आपको मिलेगा। तो आप लोगों को चेक करना है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसके लिए आप लोगों को मैं टाइम दे देता हूँ, है ना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी शंकु के आकार के टेंट का आयतन 1232 घन मीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी जो कि 2 मीटर चौड़ा है। तो इसके ऑप्शन है 270 मीटर, दूसरा ऑप्शन है इसका 272 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 276 मीटर और चौथा ऑप्शन है 275, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए शंकु की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से आप लोगों की होती है, ठीक है। ये आप लोगों का शंकु या फिर इंग्लिश में कहें तो कोन होता है, ठीक है। ये जो हाइट होती है ये स्लेंट हाइट कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो हाइट होती है नॉर्मल ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये जो होती है ये आपकी त्रिज्या या फिर कहलाती है रेडियस, ठीक है। हाइट इसको कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। अब वो बोल रहा है कि इस टेंट का आयतन जो है, पूरा जो वॉल्यूम है वो 1232 घन मीटर है, यानी कि सेंटीमीटर या मीटर क्यूब है, ठीक है। आपको पता है इसका आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1232। और कुछ दिया है, उसने कहा कि जी आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, कितना है। ये जो आधार है इसका जो बेस होता है, ये जो बेस है पूरा, ये गोल आकृति में होता है इस प्रकार से। इसका पूरा एरिया कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। और ये जो सर्कल होता है या वृत्त होता है इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं 1/3 तो लिखूंगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा पाई आर स्क्वायर है इसकी जगह कितना लिखूंगा, 154 लिखूंगा। हाइट यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है यहां से आप सोल्व करें, 3 से करेंगे, ये कटेगा नहीं, 3 इधर चला जाएगा, है ना, 154 यहां आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 2 से काट लो, 2 7 14, 2 7 14, 2 से करोगे 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 11 से 7 बार कट रहा है, 11 5 55, 55 के बाद कितना बच रहा है, 6 11 6 66, 7 से कट रहा है, 7 8 56, 8 3 24। तो हाइट आपकी कितनी आ रही है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये जो हाइट है ये कितनी है, 24 है। और अगर आधार का क्षेत्रफल 154 है, आधार आपका सर्कल के आकार का और सर्कल में पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो रेडियस बराबर 7 होगी। बोलो, आप सोल्व करेंगे, पाई को उधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर बराबर आपका 49 आएगा और आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये स्लेंट हाइट कितनी होगी, तो ये स्लेंट हाइट जो है ये 25 हो जाएगी। कहीं से हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था पाइथागोरस, है ना, प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर मिलाकर 25 का, 7 24 25, तो ये स्लेंट हाइट आपकी 25 हो गई। अब वो बोल रहा है कि पूरा टेंट को बनाना है। टेंट को बनाने के लिए मतलब आपको ये चारों तरफ का एरिया चाहिए। ये जो एरिया होता है इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं पाई आर एल। तो ये पाई आर एल जो है ये बराबर होगा किसके, पता है, एक आयताकार मीटर का कपड़ा है जिसमें आपको चौड़ाई दे रखी है कितनी,
2 मीटर दे रखी है, आपको लंबाई निकालनी है, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस क्या है? रेडियस भी है 7। स्लेंट हाइट कितनी है? 25। अब ये 2 है और ये लंबाई जो है ये हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आपका ये 11 बार आप काट दो, 7 से 7 आप काट दो, तो 25 × 11 कितना हो जाएगा? 2, 5 और 7, 275 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप लोगों को इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। वैसे भी 3D के सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, जैसे 2D और 3D में, 3D में जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, जैसे सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था घन घनाभ है ना, या क्यूब, क्यूबोइड इसको कहते हैं, शंकु आप पढ़ के जाना, कोन आप पढ़ के जाना है ना, शंकु कोन, सिलेंडर आप पढ़ के जाना, बेलन है ना, और गोला यानी कि आप लोगों का जो स्फेयर जिसको कहते हैं, ये सब आप पढ़ के जाना, ठीक है। ये वैसे भी 3D के जो 100 क्वेश्चन मैंने आपके कोर्स में करवाए थे वो आप जरूर देख करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, है ना। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपके इस तरीके से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग देखिए, पढ़िए, करने की कोशिश करिए, ज्यादा समय इसमें दूंगा नहीं मैं, 10 सेकंड का समय दूंगा। नैदानिक परीक्षण का महत्व क्या है? नैदानिक परीक्षण क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा, किसका महत्व? शिक्षण में महत्व है, परामर्श और मार्गदर्शन में महत्व है, या उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में महत्व है, या उपरोक्त सभी में महत्व है। तो आप लोग पता करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है कि कोई छात्र है, मान लीजिए ये छात्र है, ठीक है। अब ये कभी भी जैसे जोड़ते समय क्या कर रहा है, जैसे 2 + 3 को ये 23 लिख रहा है मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसकी त्रुटि का पता लगाना है। सबसे पहले तो आपको त्रुटि, जैसे ये कि क्या गलती कर रहा है वो पता लगाया, फिर ये गलती क्यों कर रहा है ना, इसके दिमाग में क्या अवधारणाएं फिट है वो पता करना, फिर उनका सुधार करना है ना, वो उपचारात्मक शिक्षण में आता है हालांकि, लेकिन नैदानिक का मतलब होता है त्रुटियां पता लगाना, उन्हें सुधारना, ठीक है। तो ये किस किस में, इसका किस किस में महत्व है? तो शिक्षण में इसका महत्व है ही सही, परामर्श और मार्गदर्शन में इसका महत्व है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी इसका महत्व है, क्योंकि उपचार कब करेंगे? जब उसका नैदानिक, उसका हम पता लगा लेंगे तब करेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ। किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर ऊंची शंकु में परिवर्तित किया जाता है, तो शंकु की संख्या ज्ञात करें कि कितनी शंकु हम बना सकते हैं उससे, ठीक है। चलिए 10 सेकंड 20 सेकंड का समय आप लोगों पास, कोशिश करिएगा आंसर लाने की, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चलिए लाइएगा क्या आंसर आ रहा है। तो किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर हम 1 मिलीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर ऊंची शंकु में परिवर्तित कर रहे हैं, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोगों ने सीखा था कि जो आकृति पिघला करके जो बना रहे हैं उन दोनों के आयतन बराबर होंगे, और हम लोगों ने यह भी सीखा था कि कभी भी संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है कि बड़े आयतन के नीचे छोटा आयतन लिखना है, ठीक है। चलिए टाइम अप। अब देखना आप लोग कि जब भी हमको संख्या ज्ञात करनी होगी हम क्या करेंगे, बड़ा आयतन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और छोटा आयतन हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है किसमें से हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ यूं बोला गया है कि एक बेलन में से आप शंकु बना रहे हो, ठीक है, मतलब ये इस प्रकार की आकृति है बेलन की, उसके अंदर से आप बहुत सारे शंकु बना रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें से ये शंकु बना रहे हैं तो बड़ा आयतन बेलन का हुआ, और बेलन का जो आयतन होता है या आपके सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो आप लोगों को पता होगा πr²h होता है, πr²h होता है। इसी में आप लोगों का जो छोटा आयतन है वो है शंकु का, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, है ना। अब यहाँ पर आपकी संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप πr²h से πr²h काट दो, क्योंकि अलग अलग रेडियस है, अलग अलग हाइट है, आप जो यहाँ पर काट सकते हो ये काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या थी या रेडियस थी वो कितनी थी, 3, तो यहाँ आर का स्क्वायर लिखा है, मतलब 3 का स्क्वायर, तो मैं 3 × 3 करूंगा, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 1 मिलीमीटर है। क्या रेडियस है इसकी, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आपको जाना हो तो 1/10 हम लोग करते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर
या 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर है ना, या फिर आप यूं कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से 1 मिलीमीटर चाहिए तो 10 इधर आ जाएगा। अब मैं इस मिलीमीटर को काई में चेंज कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/10 × 1/10, 2 बार क्यों किया, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। इनटू हाइट क्या है, हाइट उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर ऊंची हाइट है, तो यहाँ पर गुणा किसका कर देंगे, 1, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जाएगा भाई साहब ऊपर, ये जो 3 × 10 × 10 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 10 × 10 = 300 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको गुणा कर लेना है, अब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 5 कितना होता है, 27 × 5 कितना हो रहा, 5 × 7 = 35, 5 80 लागा, 3 × 5 = 10, 3 = 13, 13,500 आ रहा है क्या। हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो ये मिनी टेस्ट जो है अब डेली आपके चलेंगे, ठीक है, ये मिनी टेस्ट डेली रात 8 बजे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को रोजाना रात 8 बजे बिल्कुल आ जाना है ना, ये आपको लाइव सोल्व करना है, ठीक है, और डेली रात 8 बजे एक मिनी टेस्ट आपको मिल जाएगा एग्जाम तक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग नजर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, इसे पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। आप लोगों के 10 सेकंड का समय मैं देता हूँ, 10-20 सेकंड का, आप लोग कोशिश करिएगा आंसर करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। वेन हिले की थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वो ये बोल रहा है कि वेन हिले ने जो थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज सही बता रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को चेक करना है कि वेन हिले की थ्योरी के अनुसार इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। ठीक है चलिए, आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कि वेन हीले जो थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ज्यामिति के, उन्होंने वैसे भी 5 स्तर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति ज्यामिति या ज्योमेट्री सीखता है वो 5 स्तर पे सीखता है, कितने स्तर पे सीखता है, 5 स्तर पे, उन 5 स्तर में वो ये सीखता है कि ज्यामिति किस तरीके से होती है ना, आकृतियां किस तरीके की होती है, ये सारी चीजें वो इनमें सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वेन हीले थ्योरी वर्णन ये करती है कि लोग ज्यामिति किस प्रकार सीखते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसके 5 स्तर होते हैं, वो हम लोगों ने आपके उसमें पेडागोजी में पूरा पढ़ रखा है, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है कोर्स में हम लोगों ने इसके 5 स्तर सीखे थे कि 5 स्तर में पहला स्तर क्या है, दूसरा स्तर क्या है, तीसरा स्तर क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है किसी शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई या इसको कहते हैं स्लेंट हाइट आप लोग ज्ञात कीजिएगा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का बन रहा है, ठीक है। चलिए करिएगा आप लोग, ठीक है। शंकु का अभी हम लोगों ने देखा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वो तिरछी जो ऊंचाई होती है ना, वो तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। चलिए वैसे बहुत ईजी है, कर लेंगे आप लोग। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर आप लोगों का ये जो शंकु है इसमें ये जो साइड में जो ऊंचाई है ये आप लोगों की क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। अब आप लोग अगर देखें कभी भी आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना हो तो तिर्यक ऊंचाई अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज भी बन रहा है और त्रिभुज में ये जो भुजा कहलाती है ये आपकी कर्ण कहलाती है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कर्ण हो गया। ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपकी एक तरीके से क्या हो गई, आधार हो गई, ये जो त्रिज्या है ये किसके बराबर है, आधार के बराबर। इधर आपकी जो ये ऊंचाई है ये आपके इधर में क्या है, ये लंब के बराबर है, तो आधार का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होगा तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि कभी भी आप लोगों को स्लेंट हाइट निकालना हो या तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि तिर्यक की ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई है उसका स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्लेंट हाइट मुझे निकालना है तो एल का स्क्वायर बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है दोस्तों, तो उसने कहा व्यास 4 है,
व्यास कितना है? चार है। तो अगर व्यास चार है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है यानी कि दो, तो दो का स्क्वायर प्लस हाइट जो है, हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई है आपकी 2√3, 2√3, तो 2√3 है तो यहां पर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 है ना, तो यहाँ पर है ना 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 ही होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 12 और इधर आपका 2 प्लस है ना, 4 × 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 आपकी स्लेंट हाइट का स्क्वायर है तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बढ़िया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग नजर डालिएगा। इसके अलावा जो दोस्तों ने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो अभी लास्ट के दिनों में, कि सर हम 2 तारीख तक आपकी एग्जाम शुरू होगी, तो जिन लोगों के पास अभी समय है या जिन्होंने पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रेश कोर्स में आपको 249 में 15 चैप्टर आपको मिल जाएंगे शानदार तरीके से। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये आपके 15 चैप्टर है, आप इनको पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। प्री तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि 120 से 25 नंबर की आपकी मैथ्स और पेडागोजी ही आएगी जो कि इसमें कवर है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा, तो आप लोग लेयर 3 ऐप डाउनलोड कर लेना है ना, ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना, इसके स्टोर ऑप्शन में आपको ये शानदार कोर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 पेडागोजी का क्वेश्चन है, लिखा है गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया है। किसने कहा? गैलीलियो ने कहा, प्लेटो ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा, या किसने कहा? आप लोग सॉल्व करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, करते चलिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, किसने कहा है ना, ये आप लोगों को ध्यान दे। कथन में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पहला जो ऑप्शन है गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ए बी एक वृत्त की जीवा इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, कोण नहीं कोण, कोण है ना एंगल, ठीक है, होगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। सॉल्व करिएगा आप सभी दोस्त क्या आंसर आप सभी साथियों का बन रहा है, कोशिश करिएगा और आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करिएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वैसे टाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैसे कर लेंगे। देखो बड़ा आसान है, पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, मतलब बात व्रत की हो रही है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको मिला दो, नहीं तो सर्कल नहीं लगेगा ये। ठीक है, अभी भी लग रहा है वैसे, पर मान लो। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, मान लेना है ए बी, यहाँ पर एक आपकी जीवा है। ठीक है, ए बी ये मान लेते हैं, ये ए बी है। ठीक है, तो इसके जो व्यास है इसको नाम देते थे सी डी। अब वो बोल रहा है कि यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर, ए बी 10 है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया, ये जो जीवा है इससे केंद्र पे बनाया गया कोण कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भैया? देखो व्यास 20 है तो सीधी सी बात है कि अगर व्यास 20 है तो यहां से यहां तक की दूरी 20 हो जाएगी। अब ये दूरी 20 है तो इसको दो हिस्से में तोड़ दे तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो जीवा है ये 10 मीटर की पूरी 10 मीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको बीच में यहां पर एक एंगल डालू, यहां से एक बाइसेक्टर डालू, तो यहां ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है? और हाँ, एक और चीज कि वैसे भी ये 5 है, ये 5 है ना, तो ये टोटल 10 है और ये भी 10 है। बोलो, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 10 होगी, और ये भी त्रिज्या है तो ये भी 10 होगी। ठीक है, 10 10, और ये भी पूरा 10 होगा, है ना, ये भी पूरा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है।
अब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण जो है वो आपका 60 डिग्री का होगा। बोलो तो इसका सही जवाब जो बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर यहां तक, बड़ा आसान है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। गणित की कौन सी शाखा तार्किक सोच प्राकृतिक डिजाइन सिखाती है? गणित की कौन सी, देखो गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे बीज गणित आप लोगों ने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अंक गणित, अरिथमेटिक या ट्रिग्नोमेट्री, तो कौन सी शाखा या कौन सी ब्रांच जो है वो आप लोगों को तार्किक सोच और प्राकृतिक डिजाइन बनाना सिखाती है? ठीक है, तो डिजाइन किस में बनती है वैसे भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जैसे इसका करेक्ट आंसर पहले देख लो, इसका करेक्ट आंसर होगा ज्यामिति। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये नहीं सीखा था कि एक लाइन है दूसरी लाइन है ना, इनके बीच में एंगल दे रखा है कि भैया ये एंगल इतने डिग्री का, ये एंगल इतनी डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का, तो हम लोगों ने सीखा था कि हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने मन से, तो ये तार्किक सोच को विकसित कर रही है, प्राकृतिक डिजाइन बनाना सिखा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री होगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे सभी दोस्त ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है किसी अर्धगोला का आयतन जो है वो 19,404 घन सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, सॉल्व करेंगे सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? ठीक है, क्या पूछा है आपसे, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, चलिए सॉल्व करिएगा आप लोग। देखो अर्धगोले का आयतन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, 3πr³। देखो पूरे गोले का जो आयतन होता है वो तो होता है आपका 4/3πr³, लेकिन अर्धगोला जो होता है, जैसे इसी को आधा काट दे तो इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी, तो ये जो अर्धगोला होता है इसका आयतन होता है 3πr³। ये दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है 19,404, तो 3πr³ जो है वो बराबर है 19,404 के। ठीक है, तो 3π की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22/7 हो जाएगी, r का क्यूब बराबर 19,404, तो यहां से हमको रेडियस मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि 3 और 22/7 जो है ये उधर ले जाना है, तो r का क्यूब बराबर 19,404 गुणा 7/22 × 3, आप सोल्व कर लो, 3 से कट रहा होगा ये, है ना, 3 से करेंगे, 3 × 6 = 18, 1 + 3 = 12, 2 + 3 = 18, फिर 2 + 3 = 8 = 24। ठीक है, और कैसे कट रहा है, 22 से कट रहा है क्या, 11 से काट लो, 11 से कट रहा होगा, 6 × 6 = 12, हाँ ठीक, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, है ना, 55 के बाद 5 × 4 = 9 बच रहा है, तो 11 × 8 = 88, 88 के बाद फिर 2 × 6 = 8, 88 बच रहा है, 11 × 8 = 88, फिर 2 से आप काटो इसको, 2 × 2 = 4, 1 बच रहा है, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 7, ठीक है, तो इधर 7 × 28 = 8, हसीला का 2 × 7 = 63, 2 × 65 = 5, हसी लगा 6, 7 × 14 = 6, 20, 2058, आर क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 2058 आ रहा है, ज़्यादा हो गया क्या, एक काम करो, 7 × 6 = 8, ठीक है, यही आ रहा होगा, 9 × 7 = 63, हाँ ठीक है, यही आ रहा, 2058, तो किसका क्यूब होता है 2058, तो पता है क्या 2058 होता है, आर क्यूब है ना, ठीक है, चलो देखते हैं एक मिनट, आर क्यूब बराबर 2058 है ना, तो चेक कर लेते हैं, 2058 में आप लोग देखो पीछे 8 किसके आता है, तो 12 × 12 × 12 कितना होता है, आप लोगों को पता ही होगा ना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 12 या फिर 22 का होगा, 22 × 22 × 22 हो सकता है, 22 × 22 कितना होता है, 2 × 4, एक काम करो, 22 × 22 कितना होता है, 2 × 4 = 2 × 4 = 44, 44, तो 4 × 4 = 8, फिर 484 × 22, 2 × 8 = 8, 2 × 8 = 16, 6 + 1, 2 × 8 = 9, ठीक है, फिर 968 968, ज़्यादा हो रहा है यार ये तो, 8 × 8 = 14 = 4, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट देखते हैं दोस्तों, है ना, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया था, यहाँ अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3πr³ बराबर 19,404 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 उधर ले जाएंगे, है ना, 2/3,
इधर होगा आपका 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर आपका 19404 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि है वो आपकी उधर चली जाएगी, तो आर क्यूब के बराबर इधर क्या बचेगा 19404 गुणा आपका 3/2 और गुणा 7/22। तो आपको सोल्व करेंगे, जैसे आप यहां से काटे, 2 से काटे, 2 9 18 एक बचा तो 2 7 14 जीरो, 2 2 4, फिर 2 से काटे तो 11 से काट लो, 11 2 22, 11 से करेंगे 11 8 88, फिर 8 बचा 11 7 77 है ना, 11 8 88 है ना, 88 के बाद कितना बचा, 9 बच रहा है, तो 11 8 88 है ना, फिर आपका 2 बच रहा है 11 2 22, फिर 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 4 8 एक बचा, 2 4 8 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यूब बराबर यहाँ 7 21 आ रहा है, तो आर क्यूब बराबर 441, 441 क्या होता है 21 गुणा 21 है ना, और ये भी 21, तो आर क्यूब बराबर आपका 21 21 21 आ रहा है, तो आर बराबर 21 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा आपका 2πr² होगा, कितना होगा 2πr², तो 2π की वैल्यू कितनी 22/7, r का स्क्वायर कितना है, r आपने निकाली 21, तो 21 गुणा 21 आप करेंगे, 7 21 आपका 22 66 हो जाएगा, फिर 21 63 हो जाएगा, तो 3 6 18 का 8 सब में आ रहा है। ठीक है, 3 6 18 का 8 लगा 1, 6 6 36 और 1 सॉरी 3 6 18 का 8 लगा 1, 3 6 18 और 1 19 198, फिर 6 से करेंगे 6 6 36 का 6 ऐसे लगा 3 6 36 3 39। ठीक है, तो 8 इधर 9 6 15 का 5 लगा 1, 9 2 11 का 1 हज लगा 1, 4158 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने क्या किया था, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन जो है वो 4πr² लगा दिया था, 4πr³ लगा दिया था, जबकि यहाँ पर क्या होगा 2/3πr³ होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती हो जाती है, उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 10, फिर आप लोगों का पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित नियोजन का सबसे आवश्यक पहलू है, तो जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जो मैथ्स की जो प्लानिंग होती है, नियोजन जो किया जाता है, उसके लिए सबसे आवश्यक पहलू क्या है कि गणितीय अवधारणा उनको एक पदानुक्रम तरीके से प्रस्तुत करें, या फिर संदर्भ के लिए एक रजिस्टर में गतिविधियों को लिख लें, या फिर शिक्षार्थियों को अवधारणों का निर्माण करने की अनुमति देने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करें, या गणित के अनुक्रम का पालन करें, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे आवश्यक पहलू ढूंढना है, इसका सही आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा, आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, आप में से अगर पढ़ना चाहें कि सर मुझे पढ़ना है अभी भी, है ना, तो क्रेश कोर्स लेकर के 15 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, प्री क्लियर हो जाए तो फिर मेंस की आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे समय में बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको प्री क्लियर करना है वो मैथ्स का क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, शानदार वीडियोज है, इसमें 15 चैप्टर है, आप लोग पढ़ करके शानदार तरीके से सीख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक, ध्यान दीजिएगा सारे मेरे दोस्त, आंसर आप लोगों का बन जाएगा। लिखा हुआ है कि किसी शंकु तथा गेंद की त्रिज्या ए समान है, मतलब ये शंकु है, ठीक है, इसकी त्रिज्या ए है, और ये जो गोला है इसकी भी त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक है, ये जो गोला है इसकी भी त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या ए समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी वो आप लोग ज्ञात कीजिए, क्या आंसर आपका बनेगा। आपके ऑप्शन है 3a 4a 7/4a या 7/3a, कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, आंसर लाइएगा, कोशिश करिएगा सारे दोस्त। ठीक है, चलिए टाइम तो नहीं देना है, वैसे बहुत सिंपल है, दोनों का आयतन समान है, शंकु होता है 1/3πr² h, जबकि आपके गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान देना है कि उनकी जो त्रिज्या है उसका नाम a है, मतलब जहां जहां आपने r लिखा है वहां आप लोग क्या लिखिए, वहां पे आप लोग जो है a लिखिए, क्या लिखिए, a का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर भी आप जो है, यहाँ पर भी आप क्या लिखिए, a लिखिए। ठीक है, जिससे जो कट रहा है ये हाइट आपको चाहिए, बाकी सब उधर लेते जाइए, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ए स्क्वायर यहाँ बटे में चला गया, तो ए स्क्वायर से काटा तो केवल ए बचा, और इधर हाइट बची, तो आपका 4a हाइट कितनी आ रही है इसकी,
4A आ रही है, ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे भी आप लोग अगर चाहें है ना, आप लोग एक तो इस वीडियो का खत्म होने के बाद आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टेस्ट कैसा लग रहा है, क्या ये टेस्ट हम लोग एग्जाम तक चलने दें या मिनी टेस्ट को बढ़ा करके फुल टेस्ट करें, है ना। जैसा भी आप लोगों की प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, जाओ मत, रुको, अभी अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है। ठीक है, मैं बस बता रहा था कि आप लोगों को लाइक भी करते चलना है, जितने दोस्त यूट्यूब पे देख रहे हैं सारे दोस्त एक बार मिलकर के लाइक भी कर दो, ठीक है, ताकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ अभी, है ना, ताकि आपके लिए वीडियो आके बना के फिर प्रीमियर करके चला जाऊँ, तो आप लोग थोड़ा लाइक वगैरह ध्यान रख लेना, ठीक है, ताकि वीडियो बनाने का मन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा पढ़िएगा, है ना। 7 साल के बच्चे की माँ रोशनी अपने पति से कहती है कि कल हमें 96 किलोमीटर का सफर तय करना है जी, है ना। जिसके बाद उसका बच्चा जवाब देता है कि 100 से 4 किलोमीटर कम, तो इस बच्चे को गणित के किस गुण का ज्ञान है। पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड आपकी डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका किसका है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से गुण का ज्ञान है, तुलनात्मक जोड़, तुलनात्मक घटाव, वृद्धि या आक्रामकता। चलो, तो इसका सही जवाब वैसे दिख रहा है कि 100 से 4 किलोमीटर कम, यानी कि 100 में से 4 किलोमीटर घटा रहा है, तो तुलनात्मक घटाव का उसे ज्ञान है, बच्चे को ज्ञान है कि 100 से 4 किलोमीटर कम की बात हो रही है। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको ऐसे बताना पड़ता है कि कितने रुपए लगे कि 76, तो क्या 76 क्या होता है कि माँ साहब 80 में 4 कम, अच्छा 80 में 4 कम वो वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, आंसर लाइएगा। लिखा है किसी समान आधार पर एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात आप करिएगा, उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा ये आप लोग बताइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करेंगे सारे दोस्त और आंसर लाएंगे, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, कोशिश करिएगा सभी दोस्त। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, चलो आपका आंसर आ गया होगा, समान आधार पे, मतलब एक आधार है उसी पे आप पहले तो वर्ग बनाए फिर समबाहु त्रिभुज बनाए, तो ये लो मैंने वर्ग बनाया इसी आधार पे, ये आधार है, इस आधार का मान लो मान मान लेते हैं जो भी है, ठीक है, एक मान लेते हैं, 1 मीटर है, इसी पे फिर समबाहु त्रिभुज भी बनाया, पहले इस पे मैं वर्ग बना लेता हूँ, ये वर्ग बना लिया मैंने, इसी पे समबाहु त्रिभुज भी बना लेते हैं, हालांकि समबाहु तो नहीं बना पर समझ लेना है। ठीक है, इसकी भुजा भी एक है, इसकी भुजा भी एक है, अब इसकी भुजा एक है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताए ना, 4/3, कितना है इसका, क्या था फॉर्मूला, क्या था, √3/4। अरे फॉर्मूला का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए, √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी इधर a का स्क्वायर, a मान लो इसको, ठीक है, इसको भी a मान लो, ठीक है, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कट गया, फिर 4 उठ के इधर आ गया, तो 4 इधर बराबर में √3, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 4√3, हाँ ये रहा तो है। ठीक है, नंबर डी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही बिल्कुल सटीक जवाब बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 वापस से आपके पेडागोजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको टेस्ट में पेडागोजी रखना है कि नहीं रखना है, पूरे मैथ्स के भी हम लोग चलने दे सकते हैं, आप चाहें तो पेडागोजी के भी हम लोग रखेंगे क्वेश्चन। आज का टेस्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया करते चलिएगा। क्वेश्चन लिखा, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किस चीज से शुरुआत कर सकता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b does not equal to 0, या उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, या विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, या संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ये आप लोग बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कोशिश करिएगा। चलो, तो देखो बहुत सिंपल है ये, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चों को भिन्न के बारे में बताना है, या भिन्न क्या होती है, भिन्न होता है एक का छोटा वाला हिस्सा, टुकड़ा वाला हिस्सा, आप लोगों ने 1/2 देखा होगा। ठीक है, तो ये 1/b के फॉर्मेट में लिखना, और b डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हम लोग शुरुआत जब कर रहे हैं तो ये चीजें नहीं बताएंगे कि 1/b के फॉर्मेट में होता है ना, या 1/b में आपकी a आपकी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन b हमेशा प्राकृत होना चाहिए, ये चीजें नहीं बताएंगे हम लोग। क्या बताएंगे, उनके
आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों की पहचान कराएंगे, जैसे उनको बताएंगे कि कोई भी वस्तु को तोड़ दे तो वो दो हिस्से हो जाते हैं, इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ये नहीं करते हैं कि ए बटा बी के फॉर्मूले और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे भिन्न की शुरुआत नहीं करना है। भिन्न की शुरुआत कैसे करना है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करा करना है। क्वेश्चन नंबर 15 दीजिएगा का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है, समस्या समाधान विधि या संग्रह विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या वर्गीकरण विधि। तो आप विधियां होती हैं उसमें देखो, अन्वेषण विधि का मतलब होता है, इसके नाम बता देता हूं, अन्वेषण विधि का मतलब होता है, आपने अन्वेषण होगा ये नहीं सुना होगा तो अनुसंधान केंद्र सुना होगा, अनुसंधान नहीं सुना होगा तो खोज सुना होगा, खोज नहीं सुना हो तो ह्यूरिस्टिक तो सुना ही होगा, ये सब एक ही है। ठीक है, तो अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो ह्यूरिस्टिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या मेरे दोस्तों? ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, हाँ इसके अलावा जिन दोस्तों को सारे चैप्टर पढ़ना है वर्ग दो के लिए मैथ्स का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्रेश कोर्स केवल 249 में है ना, ये 250 रुपए जो है ये आपको अखरेंगे नहीं, क्योंकि इन 250 में आपको उतना मटेरियल मिलेगा जितना लोग 500 हजार 2000 लेकर के भी नहीं देंगे, उतना मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। और इतना शानदार तरीके से पढ़ा रखा है कि किसी ने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं देखी हो तो उसको